हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है प्लाजो पैंट। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताई है, तो इसे आप पूरा देखिएगा तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कमर की चौड़ाई है वो है 32 इंच, तो इसका 1/4 भाग हुआ 8 इंच। इसमें हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर पैंट थोड़ी लूज रखनी है। ऊपर हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़कर यहाँ हमने 13 इंच लंबाई ले ली है मियाने के लिए। अब हमारे पैंट की जो लंबाई है वो 35, तो हमने 35 पे 2 इंच छोड़कर मार्क कर लेना है। साथ में 2 इंच हमारा नीचे भी हमें मार्जिन जोड़ना है क्योंकि हम इसे नीचे से मोड़ते हैं। अब हमें एप के यहाँ से इंच टेप को रखना है और इसका आधा हिस्सा हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद जो आधा हिस्सा है वहीं से हमें इंच टेप को पकड़ना है और फिर उसका आधा हिस्सा हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया नी का हिस्सा। तो यहाँ पे हमारी नी की जो भी चौड़ाई है उसका 1/4 भाग हम ले लेंगे। तो यहाँ हमारी चौड़ाई है 18 इंच, तो हमने 4 इंच ले लिया है, 4.5 इंच दोनों साइड। और मोहरी की जो हमारी चौड़ाई है वो है 10 इंच, तो वहाँ पर हमने 3-3 इंच ले लिया है। अब इन सारे निशानों को हम मिला लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आगे का भाग कट गया है। अब हम वापस से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। और एज इट इज इसको हमें रख देना है 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये हमारा पीछे का भाग है। अब इसमें 1-1 इंच का हमें निशान लगाकर और कट कर लेना है। ध्यान रखना है इसी साइड से, जिस साइड से हम मियाने लगाते हैं उसी साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ाना है, दूसरी साइड से नहीं बढ़ाना है। आप पैंट को दोनों को सेम वे में भी काट सकते हो, लेकिन ये वाली पैंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसे कटिंग कर लेना है। तो अब हमारी पैंट कट चुकी है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले मियाने को जोड़ लेना है। मियाने लगाने से इसमें हमें बैठने उठने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम मियाने का यूज़ कर रहे हैं। मियाने को सीधे कपड़े पे सीधा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। और फिर दूसरे भाग को उठाकर उसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आप, हमने किस तरह से मियाने को अटैच कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेना है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखते हुए और सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ध्यान रखना है नीचे से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए सिलाई यहाँ तक लाकर वापस लेकर जाना है ऊपर ही। इसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने निचले हिस्से में, पैर के निचले हिस्से में जोड़ लगाया है, तो उसे जोड़ लगाकर इसे पलट लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा कुर्ती की तरह चाक बन गया है, तो इसमें हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो निकले ना। अब हमें ध्यान रखते हुए
जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पक्की सिलाई लगा ली है हमने दोनों साइड। अब हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो मोहरी हमारी 5 इंच है, 5 इंच नाप कर और इसमें सिलाई लगा लेंगे। पूरे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पैर पे भी हमें नाप लेना है 5 इंच और इसको सिलाई लगा लेना है। अब इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। अब हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो पहले हमें इसके लिए पैंट को 2 इंच तक फोल्ड कर लेना है ऊपर से और इस पर सिलाई लगा लेनी है। जितनी हमारी इलास्टिक है उसके हिसाब से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास छोटी है तो आप कम मोड़ें। यहाँ पे मेरी चौड़ी इलास्टिक है इसलिए मैंने 2 इंच इतना मोड़ा है और हमें जगह छोड़ते हुए इसमें पक्की सिलाई कर लेना है। यहाँ से हम हमारी इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ऐसे पिन की सहायता से हमें इसमें डाल लेना है। तो अब हमने इलास्टिक को डाल लिया है। अब हम इसे सीधा रखते हुए इसको पक्का सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो इस पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो बाकी का हिस्सा खुला छोड़ा था उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ यूँ ही बना रहे और मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हमें इलास्टिक पर एक सिलाई लगा लेनी है जिससे ये उल्टे पुल्टे ना। तो हमें बीच से एक सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक और कपड़े को हमें खींचते हुए इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारा पैंट बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।